हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं चैनल टू रास्ता आ जाए रसोई का जानकारी। सर, आज का जो जानकारी वो हमारे व्यूअर्स के कमेंट पे है। इन्होंने लिखा हुआ है कि सर, मेरा भी जो है बुकिंग का मैसेज आ जाता है, एजेंसी वाले ऐसा बोलते हैं कि आपका सिस्टम बंद ना हो, इसके लिए ऐसा होता है, कहीं मेरा गैस को ब्लैक तो नहीं किया जा रहा है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो भी गैस उपभोक्ता हैं कि उनको बिना गैस लिए हुए बुकिंग का मैसेज आता है, डिलीवर्ड का मैसेज आ जाता है। तो आखिर ये प्रक्रिया क्या है, ये कैसे हो रहा है, इसके विषय में पूरी समस्या का समाधान हम वीडियो में बताने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें बता दें कि बुकिंग का सिस्टम पहले से अब एडवांस हो चुका है। पहले क्या था, लाइन में लग करके हम लोग बुकिंग के लिए वहाँ पे नंबर लगाते थे, यानी मैनुअली। उसके बाद हमको एक रसीद मिलता था, उसके बाद कैश मिलता था। अभी क्या है, प्रावधान बिल्कुल आपका उल्टा हो गया है। यानी कि अब आपको घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से, चाहे मिस कॉल, IVRS, व्हाट्सएप या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से डायरेक्टली आप बुकिंग करते हैं या वेबसाइट के माध्यम से, और वहां से बुकिंग करने के बाद ही आपको जो है वहां से 3 दिन का समय दिया जाता है, और गैस जब आप लेते हैं तब डिलीवर्ड का मैसेज आता है। अभी क्या है कि बिना गैस लिए हुए आपका ऑटोमेटिक बुक हो जा रहा है, कभी डिलीवर्ड का मैसेज आ रहा है, और एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि आपका सिस्टम बंद ना हो इसके लिए। तो चलिए इसका हम खुलासा करेंगे। हो सकता है कि कुछ एजेंसी वाले हमें जो है इस पर बैड कमेंट भी करेंगे कि सर आप अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी एक जो है आपका बग चल रहा है। बग बोले तो जैसे होता क्या है कि एक एजेंसी के पास मान लीजिए अप्रोक्स 20,000 कंज्यूमर है, जिसमें एक्टिव कंज्यूमर उनके 15,000 है, यानी 15,000 ही गैस उठाव करते हैं, 5,000 सिलेंडर ले लिए और रख दिए हैं, मतलब कह सकते हैं कि ताखा पर टांग दिए या उसका यूज बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं, साल में 2 ठो भरवाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जो 15,000 एक्टिव कंज्यूमर हैं वो जब गैस ले रहे हैं तो उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनका कार्ड जो है डीएक्टिवेट यानी बंद है, किन्हीं का सस्पेंड है, तो उसमें होता क्या है कि उनको भी गैस चाहिए होता है। तो वो इनलीगल तरीके से वेंडर जब गाँव में जाते हैं तो उनसे अपनी समस्या को बता करके 100-50 दे के गैस ले लेते हैं, लेकिन उनकी तो बुकिंग होगी नहीं। मैं ये कहना बता दे रहा हूँ क्योंकि उनका तो कनेक्शन बंद है, चाहे या सस्पेंड है या डीएक्टिवेट है 180 डेज लोग, यानी कि उन्होंने 6 महीने से गैस नहीं लिया हुआ था, इसके कारण वो बंद हो गया है। तो जब उन्होंने गैस ले लिए तो ऐसे जो भी कस्टमर लिए 150, तो उतना तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर में जैसे गाड़ी आया 450, तो 450 का अगर टंकी आता है तो वहाँ पे 450 रिफिल शो कराना पड़ता है, तभी जा करके एजेंसी में जो है चलान बनता है। तो 450 कैसे कराएंगे, 350 तो है, और 100 जो है वैसे कंज्यूमर को मिल गया जिनका की कार्ड जो है बंद है, सस्पेंड है। अब वो 100 मेंटेन कहाँ से होगा। उसी मेंटेन को पूरा करने के लिए जो गैस उपभोक्ता हैं, जिन्होंने गैस नहीं भी ले रहे हैं, उनके बुकिंग जब जो है कर दिया जाता है बड़ा उनको इन्फॉर्मेशन के। अब ये बुकिंग होता कैसे है उसके बारे में हम विशेष जानकारी नहीं बता सकते हैं, लेकिन बुकिंग होता है। अब वो कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई मैंने मैसेज किया ना कुछ किया, मेरा बुकिंग कैसे हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आते हैं, हमने भी झेले हुए हैं, तो आप भी कंप्लेन करें गैस एजेंसी में जा करके, और इसे हम ब्लैक ही कहेंगे, ब्लैक ही कहेंगे, क्योंकि आपके बिना लिए हुए अगर आपके सामान की बिक्री हो जा रही है तो ब्लैक होगा। एजेंसी में तरह तरह से समझाएंगे, जैसे अभी आपको आप बता रहे हैं कि एजेंसी वाले ने समझा दिया कि सिस्टम बंद ना हो इसके लिए ऐसा किया जाता है, तो इस तरह से वहाँ इसके भी सीनियर हैं जो अच्छे तरह से आपको समझाएंगे। आपने सीधा यही बोलना है कि मेरा साल का सब्सिडाइज रेंट कितना होता है, यानी 12 होता है, मुझे 12 हर महीने को एक सिलेंडर चाहिए, यानी 12 महीने में 12 सिलेंडर चाहिए। और इस तरह से अगर बिना मुझे लिए हुए अगर गैस बुकिंग हो जाती है, मान लीजिए 2 बुकिंग एक्स्ट्रा हो गई, तो मुझे तो 10वें महीने में ही 12 कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि 12 सिलेंडर डिलीवर्ड से हो जाएगा, तो मुझे 11-12 2 सिलेंडर और लेना है तो वो कहाँ से मिलेगा। अगर हम सेशन की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का सेशन होता है, आप महीने महीने गैस उठाते हैं, आपका सिलेंडर का उठाव 12 है, 12 सिलेंडर का आपका खर्च है। तो जैसे आप जो है सेशन के पहुंचते हैं अप्रैल से लेकर के मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मान लीजिए दिसंबर या जनवरी तक, और आपने 10 सिलेंडर लिया हुआ है, और वो 2 जो बगलिंग वाला है जो बिना लिए हुए मैसेज आ जा रहा है, वो 2 मिला के 12 आपका कंप्लीट हो जाता है। वैसे में आपको मोबाइल से ना बुकिंग होगा ना ऑनलाइन पेमेंट होगा, अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर तो आप फंस गए ना। अब तो एजेंसी में जाएंगे तो बोलेंगे आपका कोटा पूरा हो गया है, आपको तो गैस नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे हम तो भैया 10 को उठाए हैं, हमने 10 ही गैस उठाया है, अभी हमारा 2 कोटा है, तो ये 2 कोटा गया कहाँ, जो आपके बिना गैस लिए हुए
डिलीवर्ड का मैसेज आ गया वहाँ गया। तो एजेंसी वाले की गलती है, अगर आप सूचना दे देंगे तो सूचना उपरांत वो करेंगे क्या, आपका जो कोटा लास्ट में घटेगा उसको मद्देनजर रखेंगे, याद रखेंगे, आप डायरी मेंटेन करवा लेंगे ताकि आपके महीने का जो कोटा है जो गैस का वो आपका बना रहे। ये पूरी समस्या का समाधान हुआ। कोई क्या कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है आई डोंट नो, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, आपका जो महीने महीने का जो कोटा है वो बना रहे, इसके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन मैसेज आने के बाद तुरंत जाके एजेंसी में देना है। ये नहीं कि अरे भैया हमको तो 78 रुपये आ गया, क्या जरूरी जानकारी देना। अगर 78 की जानकारी न देने के चक्कर में आप रहेंगे तो आप अपना कोटा खो देंगे, अंत में आपको किसी से बुकिंग करवा के 100-200 एक्स्ट्रा देके फिर गैस लेना पड़ेगा। तो आज का जो जानकारी था, फिर मिलेंगे अपने फ्रेश टॉपिक के साथ। अगर आपके पास रसोई गैस है उपयोग करते हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ट्रू रास्ता चैनल का नाम है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।